हेलो स्टूडेंट, वेलकम अस अगैन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 3C का 28, 29 और 30 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये 27 की तरह ही सॉल्व होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और उसके बाद की भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रीवियस और नेक्स्ट सभी वीडियोज़ का। वहाँ से अपने आप डाउट्स को क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं एकदम ईजी में। तो देखो, ये मेरा 28th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें बीच में दिया हुआ है 17, इधर है 6x², इधर है 12। पहले जो वीडियो आते थे हमारे पास, यानी पहले जो क्वेश्चन दिए रहते थे 27 से पहले, उसमें केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता था, यानी 1 छुपा रहता था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि बीच वाले नंबर को कुछ ऐसा स्प्लिट करो जिसका मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाए, ठीक है, लास्ट वाले के बराबर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कितना निकल रहा है। पहले केवल 1 रहता था, तो 12 बन जाए 12 ही निकलता था, या अगर यहाँ पर मान लो 30 लिखा है तो 30 बन जाए 30 हो जाता था। तो हम लोग इधर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नंबर आ गया तो ध्यान देना पड़ेगा। हम देखेंगे कि 12 का 6 अगर पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 कितना होता है, 72 होता है। तो हमको क्या करना है कि ये बीच वाले नंबर को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है जिसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करें ना, तो 72 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 72 देखो किसके टेबल में आता है, जो नॉर्मल आपको टेबल याद है ना, पहले वहां से आप स्टार्ट किया करो। तो हम लोग को देखो किसका टेबल याद है, 6 का टेबल याद है, 6 का टेबल में 72 आता है। जैसे कि अभी हमने देखा 6 12 72 होता है, लेकिन 6 और 12 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो मेरा तो 18 आ जाएगा, अपने को तो केवल 17 ही लाना है, ठीक है। तो अपन 7 देखते हैं, 7 के टेबल में 72 आता है क्या, तो नहीं, 7 के टेबल में 70 आता है, 72 नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है क्या, तो बिल्कुल 8 के टेबल में 9 टेप बढ़ते हैं तो 72 आ जाता है। तो क्या मेरा 8 और 9 17 होता है, बिल्कुल होता है। देखो 9 और 8 को ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। तो पहले तो आपको यही काम करना है कि अपने दिमाग में ओरली ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, इससे माइंड भी आपके स्ट्रांग होगा और मैथ में आपका टाइम भी कम लगेगा। बाकी उसके बाद जो आगे मेथड वगैरह, जो आपके फैक्टर वाले मेथड, वो सब आप अप्लाई कर सकते हो जो आपके स्कूल में सिखाया जाएगा। बाकी मेन आपको ऐसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरा कितना बन गया, 9 और 8 बन गया। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, 6x² + 9x + 8x, ठीक है। तो इससे मेरा 9 और 8 17 भी हो जाएगा, और 9 8 जो मेरा 72 भी हो जाएगा, जो कि इन दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ पर मैं प्लस में जो 12 है इसको उतार देता हूँ। अब देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, दो दो का पेयर बना करके, तो इन दोनों में से एक्स तो कॉमन मिल ही रहा है, साथ में 6 और 9 है जो कि 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं यहाँ से 3x कॉमन निकालूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पर 2x बचेगा, सॉरी, क्योंकि 3 2 6 होता है, और एक्स है एक बाहर निकाला है हमने और एक और था, तो एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इधर से क्या बचा है हमारे पास, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया तो 3 बच गया, क्योंकि 3 3 9 होता है, और एक्स भी हमने बाहर निकाल लिया तो बस 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा और ये एक्स उतर जाएगा। क्लियर, इतना इधर से वाला हमारा कॉमन मिल गया। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों मेरे 4 के टेबल में आते हैं, 2 के में भी आते हैं, लेकिन आपको बड़ा नंबर लेना है, ध्यान रखना ये कि जो हाईएस्ट नंबर हो वो लेना है कॉमन। तो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो अपन 4 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कि यहाँ पर से 2x बच जाएगा, क्योंकि 4 2 8x हो जाएगा, और उसके बाद इधर से मेरे पास 3 बच जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर 2x + 3 आ गया, यहाँ पर 2x + 3 आ गया, तो मैं इसको आप उतार लो एक बार, ये हो जाएगा आपका 2x + 3, और इधर से मेरा 3x बच गया और 4 बच गया, तो ये हो जाएगा मेरा 3x + 4, इसका फाइनल आंसर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है ना, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा 29th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे पीछे मेरे पास कितना है, 18 और 10 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 180 आता है, 18 का 10 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमको बीच वाले नंबर जो 3 अपने को दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो छोटा नंबर अगर अपन लूंगा मैं, जैसे 2 + 1 करूंगा 3 जो कि होता है, तो उससे तो मेरा 180 पहुंचेगा नहीं, यानी छोटे नंबर अपने को नहीं लेने, अपने को बड़े नंबर लेना है। जैसे मैं इसको क्या करूंगा, मैं उल्टे साइड से लूंगा, माइनस करने की तरफ से। अगर मैं इसको 10 - 7 लिखता हूँ, तो 10 में से 7 माइनस होगा तो मेरा 3 तो आ ही जाएगा, लेकिन 10 7 = 70 ही होता है, अभी भी बहुत कम है। चलो 5 नंबर आगे और बढ़ जाते हैं, 15 ले लेते हैं, तो 15 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके मैं चेक करता हूँ, तो 15 का टेबल 10 टाइम पढ़ोगे तो 150 आएगा, 2 टाइम और पढ़ोगे तो 30 और आ जाएगा, तो 15 और ये हो गया 150 और 30 मिलकर के 180 हो गया। तो इस तरीके से आपको 2 3 बार में ही मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि जैसे मैं एक एक बार में बता दे रहा हूँ आपको, 2 2 बार में बता दे रहा हूँ, वैसे आपका भी आ जाए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी बहुत कम है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। जैसे मैं 5 कदम आगे बढ़ गया, हो सकता है आप 2 ही कदम आगे बढ़ो, आप 12 में ही पहुंचो, कि 12 में मैं कितना माइनस करूँ तो ये मेरा 3 आ जाए। तो 12 में हम लोग 9 माइनस करते हैं तो 3 आता है, तो आप 12 - 9 भी लिख सकते हो, उसमें भी 3 आ जाएगा आपका, लेकिन 12 9 जो हमारा कितना 180 तो होने वाला है नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया, देखा कि बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट 5 कदम आगे बढ़ गया। फिर आप मान लो यहां पर नहीं मिलता तो हम लोग 5 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, 20 में पहुंच जाते हैं, कि 20 में से 17 माइनस करते हैं तो 3 आता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पहले ओरली करो,
अगर वो उसमें आपसे नहीं संबंध में आ रहा है, लेकिन देखो अगर आप 30 क्वेश्चन तक, मैंने 29 जितने भी क्वेश्चन बनाए अभी तक भी आपको मैंने एक बार फैक्टर वाला करके नहीं बताया है, मैंने हर बार आपको इसी मेथड से समझाया है, तो अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपसे ये श्योरली बन ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 18x² लिखेंगे, ठीक है। ये जो 3x है ये अपने को प्लस में लाना है, तो हम लोग +15x लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में रहेगा तभी मेरा प्लस में आएगा, और -12x कर लेते हैं, तो 15 में से 12 माइनस होगा तो 3x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा। तो ये -10 को, सॉरी +10 लिख दिया मैंने गलती से, -10 को उतार दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर से कॉमन क्या क्या मिला वो देखो, तो एक तो एक्स कॉमन मिल जा रहा है, दूसरा जो दोनों हैं हमारे वो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 5 के टेबल में तो केवल ये आएगा, ये आएगा नहीं, हाँ दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं 3 बाहर निकाल देता हूँ। तो 3x हमने बाहर निकाला, यहाँ पर से मेरा 6x बन जाएगा, क्योंकि 3 6 18 होता है, और x का स्क्वायर होता है, प्लस ही साइन लगा लो, 3 5 15 हो जाएगा, क्योंकि हमने x पहले ही बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर x लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले तो माइनस के साइन अपन निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि अपने को अंदर वाले को प्लस मिलाना है, इधर प्लस में आया है तो यहाँ भी प्लस करना है, ठीक है। दोनों में एक्स तो है नहीं, तो देखते हैं दूसरा कौन सा नंबर है, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैं 2 बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 6x हो जाएगा, 2 6 12 होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर चूंकि पहले माइनस था, तो अब मैं प्लस की साइन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही माइनस को बाहर ले लिया है, तब ना मेरा माइनस और प्लस माइनस होगा, और इस 10 की जगह मैं 5 लिख दूंगा, क्योंकि 2 5 10 माइनस और प्लस माइनस। तो देखो 6x+5 6x+5 आ गया ना, बस यहाँ पर आप उतार दो 6x+5, एक बार कॉमन लेकर के ये 3x बचा और -2 बचा, तो ये हो जाएगा 3x-2 आपका फाइनल आंसर। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 30 नंबर का, उसे भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है, यहाँ 21 दिया हुआ है, दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 21 2 जा 42, तो अपने को 11 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई 42 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 और 5 कर सकता हूँ ना, 6 और 5 मेरा 11 हो जाएगा, लेकिन 6 5 जो 30 होता है, 42 नहीं होता है, तो 6 और 5 छोड़ दो। और क्या कर सकते हैं अपन, 9 और 2 कर सकते हैं, तो 9 2 जो 18 होगा, वो भी नहीं चलेगा काम, है ना। और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको पीछे से कर रहा हूँ तो काम नहीं बन रहा, आगे से चलते हैं, 12 -1 कर दूंगा तो 12 भी होगा, नहीं होगा काम, 13 -2 करता हूँ तो 13 2 जा 26 होगा, अपने को 42 लाना है। और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 14 कर सकता हूँ, 14 माइनस कितना होगा, 3 होगा, 14 3 माइनस होगा तो 11 हो जाएगा, 14 3 42 भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो इस तरीके से अगर मैं इसको 14 -3 करता हूँ तो भी मेरा 11 आ जाएगा, और 14 का 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, माइंड में ही 2 4 बार कैलकुलेट किया कि इसका इसका किससे कर सकता हूँ मैं, तो लास्ट में हमको 14 मिल ही गया, तो आपको भी मिल ही जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 2x² ये मेरे को प्लस में लाना है, तो 14x में प्लस में पहले लिखूंगा और -3x बाद में लिखूंगा, 14 में से 3 माइनस होगा तो 11x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, है ना। और यहाँ पर मेरे पास बड़े नंबर में प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन लग जाएगी, और ये -21 जो है उसको उतार दो। अब देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में से देखो मेन यही काम है, ये लाइन जो आपने बना लिया ना उसके बाद कॉमन वाला तो आसानी से बनेगा, दोनों में से एक्स भी कॉमन मिल रहा है और 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो मैं 2x बाहर निकालूंगा, यहाँ पर से मेरे पास केवल एक्स बच जाएगा, आप इसको 1x भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, xx मिल करके x² हो जाएगा, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता है, फिर हमारा 2x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आएगा ही। उसके बाद प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लो, 14 2 के डब्ल्यू कितने टाइम पे आता है, 7 टाइम पे, तो 2 7 जा 14 और ये x उतर जाएगा, तो बस इतना इसको लिख लो। इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो मैं -3 बाहर निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्लस मिलाना है ना, क्योंकि इधर प्लस में आ चुका है, तो यहाँ से -3 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो एक्स बन जाएगा, -3 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा, और इस माइनस के साइन की जगह मैं प्लस लगाऊंगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, फिर 3 7 जा 21 आ जाएगा मेरा, तो इधर भी आ गया इधर भी आ गया, बस इसको लिख लो आप। ये हो जाएगा मेरा x+7 कॉमन, यहाँ पर से मेरा 2x बच गया, यहाँ पर से मेरा 3 बच गया माइनस वाला, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको जो आगे का क्वेश्चन है ना उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले ओरली अपने माइंड में सॉल्व करना है, और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।